सच साहस सरोकार। सुषमा यादव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष के इस दौरान अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है। यशवंत सिन्हा के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शरद पवार, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव मौजूद रहे। वही कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के पास संख्या ऐसे तो बहुत कम है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि उनकी उम्मीदवार को कम आका ना जाए। आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से यशवंत सिन्हा का मुकाबला होगा। एक तरफ जहां एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दौरान विपक्ष ने पूरी मुकाबले की जो एक साइन है वो देने की कोशिश करी है एनडीए को। कई दिग्गज इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन कर दिया है। इस दौरान कई बड़े दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे, और ये पूरा दावा है विपक्ष का कि जो हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है वो जो द्रौपदी मुर्मू है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगातार अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल हाल ही में खत्म होने वाला है, जिसको लेकर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज जो नामांकन किया गया है विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का, कौन कौन से दिग्गज इस दौरान वहां पर मौजूद रहे उनके साथ? गौरव, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? गौरव, आज विपक्ष की ओर से जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, आज उनका नामांकन था, कौन कौन से दिग्गज जो उनके साथ आज मौजूद रहे नामांकन में? हाँ, निश्चित रूप से 24 जुलाई को जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 24 जुलाई के पहले चुनाव कराना आवश्यक होता है, जिसके तहत आज जो यूपीए गठबंधन है, जो विपक्ष है, उसकी तरफ से उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा, जो कि पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, जो इस समय अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो सख्त रूप से नामांकन किया। उस नामांकन के समय उनके साथ अगर बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी मौजूद रहे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो फारूक अब्दुल्ला है वो मौजूद रहे, सीताराम येचुरी मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें वो मौजूद रहे, इसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव वहां मौजूद रहे, आरएलडी से जयंत चौधरी वहां मौजूद रहे, तो लगभग लगभग जितने बड़े नेता थे साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता है वो मौजूद रहे। हालांकि ममता बनर्जी की वहां पर उम्मीद थी कि वो भी वहां पर आएंगी, पर उन्होंने बताया था कि कोई कलकत्ता में कोई कार्यक्रम है और कोलकाता में कार्यक्रम के चलते वहां पर नहीं आ पाई है। पर जिस तरह से यहां पर लगातार देखा रहा है, जो जो आपके एनसीपी प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने कहा था कि हम
विपक्ष के रूप के सदस्य और उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनके नामांकन में विपक्ष ने अपनी एकता दिखाई है और कुल मिला के 17 पार्टी है, छोटी मोटी पार्टियां मिला के और बड़ी पार्टी मिला के इस बार यशवंत सिन्हा को सदस्य उम्मीदवार के रूप में उतारा है और उन्होंने नामांकन किया है और उनकी जीत की दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। गौरव, राष्ट्रपति का चुनाव कब है और किस डेट के डेट से जो नए राष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण लेंगे, वो कार्यभार अब संभालेंगे? देखिए फिलहाल आपको बता दूं चुनाव 18 जुलाई को है, इसके अलावा जो उसकी जो गणना होगी मतगणना होगी वो 21 जुलाई को होगी। अगर नामांकन की बात करें नामांकन 29 तारीख तक है जिसमें कई लोगों ने नामांकन भी किया है और 24 तारीख को जो राजग की उम्मीदवार रही है जो कि द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है, आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती है, तो उनका नामांकन हुआ था। उसके बाद आज यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। इस पर कल नामांकन की अंतिम तिथि है, 30 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 तारीख जो रहेगी वो नामांकन पत्र की वापसी की तारीख रहेगी। अगर कोई अपने नामांकन वापस लेना चाहता है तो वापसी दे सकता है। उसका 18 जुलाई को चुनाव होगा, 21 जुलाई को परिणाम आएगा, 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 25 जुलाई के लमसम इसके पहले हो सकता है शपथ ग्रहण हो जाए। हालांकि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया कब होगी, किस दिन होगी, अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये बात स्पष्ट है कि 18 जुलाई चुनाव होगा, 21 तारीख को आपका उसकी मतगणना होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और एकनाथ शिंदे गुट बहुमत होने का दावा कर रहा है तो वही उद्धव ठाकरे सरकार और पार्टी बचाने में जुट गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सियासी जंग में अब ईडी की एंट्री हो गई है, जहां ईडी ने शिवसेना सांसद राउत को समन भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कल प्रवीण राउत और पात्राचाल भूमि घोटाले में जुड़े मामले में यह समन भेजा है। दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम समर्थक विधायकों और मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। अब नगर विकास मंत्रालय उद्योग मंत्री सुभाष देसाई को सौंप दिया गया है, जो एकनाथ शिंदे के पास था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले तो एक मंत्रालय में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है महाराष्ट्र में, संजय राउत को ईडी ने समन भी भेज दिया है, तो मंत्रालय में क्या कुछ फेरबदल किया गया है उद्धव ठाकरे की ओर से? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी वो विधायक बने रहेंगे, अभी उनको आयोग के करार नहीं दिया जाएगा। हालांकि नोटिस जरूर जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, पर यहाँ पर जो 9 विधायक हैं उनके यहाँ पर जो विधायक चले गए तो उसको उद्धव ठाकरे के पुत्र है आदित्य ठाकरे, उनको दिया गया। इस तरह लगभग लगभग 7 और जो विधायक है जो मंत्री है उनके विभागों को फेवरल किया गया है और अपने जो जुर्म अभी उनके उद्धव ठाकरे खेल में जो मौजूद है उनको ये विभाग बांटे गए हैं। जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जाके बगावत कर चुके हैं उन सभी विधायकों के सभी मंत्रियों के विभाग उद्धव ठाकरे सरकार ने छीन लिए हैं और जो उनके खेमे में इस समय मौजूद है उनको विभाग प्रदान कर दिए गए हैं। जी गौरव, जहां एक और संजय राउत पहले तो इन विधायकों को अपना ही विधायक होने की बात कह रहे थे, फिर कह रहे थे कि जो बागी है उनके आत्मा की मृत्यु हो चुकी है, उनका लाश सिर्फ वापस आएगा। इस बीच अब संजय राउत को ईडी ने समन भेज दिया है, किस तरह के जो राजनीतिक फेरबदल नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? संजय राउत हमेशा से बयान देते रहते हैं राज्यसभा सांसद शिवसेना की तरफ से और निश्चित रूप से उनके बयानबाजी की अगर हम बात करें तो
जो भी अगर जो महाराष्ट्र सरकार के जो मामला चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मी चल रही है, उसके चलते वो लगातार उनके बयान बदलते रहते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि जो विधायक है इंद्र सिंह के साथ गए हैं, जो गुवाहाटी में मौजूद है और लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है। हालांकि उद्धव सरकार ने पहले भी कहा था, उद्धव ठाकरे पहले बयान दिए थे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे विधायक चले गए हैं उनके अंदर की जमीन को जगाया जाए, उनकी आत्मा को जगाया जाए, उनको कहा जाए कि आप बाला साहब ठाकरे की पार्टी के नेता है, उनके विधायक हो, आप अगर किसी और पार्टी से जाते हैं तो गलत होगा। पर अभी तक फिलहाल कोई कायापलट देखने को नहीं मिल रहा है। और एकनाथ शिंदे लगातार बोल रहे हैं 39 विधायक उनके संपर्क में। अगर वही ईडी की बात करें तो संजय राउत को कहना है कि ईडी का अगर उपयोग कोई करना चाहता है तो केंद्र सरकार करनी जानती है। और जिस तरह से अभी महाराष्ट्र संघर्ष चल रहा है, जहाँ पर एक और हम लोग उलझे हुए हैं और सोच रहे हैं कि सरकार कैसे बचाई जाए, विधायक से संपर्क किया जा रहा है, विधायकों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो वही तीसरी ओर ईडी यहाँ संबंधित रही है। मैं बता दूँ की संजय राउत के तहत जो करीबी रहे हैं प्रवीण राउत, उनको पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसके पहले भी प्रवीण राउत की लगभग 11 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया था। इसके बाद से कई और पशु भूमि घोटाले की बातें चल रही थी और निश्चित रूप से उनका नाम संजय राउत के साथ जुड़ने के कारण उनके यहाँ भी ईडी का नोटिस भेजा गया है और ईडी ने उनको पूछताछ के लिए संजय राउत को बुलाया है। जी, हालांकि गौरव, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को 15 दिनों का और वक्त दिया है, 12 जुलाई तक का उनके पास समय है जो स्पीकर है उनका जवाब देने के लिए। इस बीच एक बड़ा ये भी आदेश दिया गया है कि कोई भी शिव सैनिक, चाहे वो एकनाथ शिंदे के गुट के हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे के गुट के हो, वो किसी तरह का तोड़ फोड़ जो महाराष्ट्र है, मुंबई है, वहां पर नहीं फैला सकते। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जैसे ही खबर सामने आई थी बागी होने के बाद, पहले तो उद्धव ठाकरे ने प्यार से समझाने की कोशिश करी, अपनाने की कोशिश करी, लेकिन देखा गया कि कुछ दिनों बाद ही दोनों गुट के जो कार्यकर्ता है, जो शिव सैनिक है, वो रोडों पे आ गए थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? यहाँ पर एक तरफ उद्धव ठाकरे के जो सेना के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना था कि एकदम से जिस तरह का परिवर्तन किया गया है, शिंदे वहाँ पर विधायकों को लेकर चले गए, गलत बात है, चर्चा करनी चाहिए थी। तो दूसरी तरफ शिंदे समर्थक की जो कार्यकर्ता है वो भी बुरे प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और रोड पर इनकी तीखी नोक झोंक भी कल भी काफी कभी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो शिव सैनिक और शिव। हालांकि उद्धव ठाकरे ये कहना था कि दोनों शिव सैनिक है, चाहे शिंदे की बात करें चाहे हमारी बात करें, समर्थक अलग अलग हो सकते हैं पर सही मायने दोनों शिव सैनिक है। और शिव सैनिक कभी महाराष्ट्र में अभी नुकसान नहीं कर सकते हैं, महाराष्ट्र की संपत्ति के नुकसान नहीं कर सकते। इस तरह की जो हरकतें हैं या तोड़ फोड़ है वो नहीं होनी चाहिए। जो भी मामला है वो सुलझा दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से वहां पर 4 नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें एक नोटिस जो आपका चिराही नरही जरवाल को जारी किया गया है, इसके अलावा जो एक नोटिस है जो मुख्य वेप है सुनील प्रभु को जारी किया गया है, एक नोटिस केंद्र सरकार को जारी किया गया है और एक जो नोटिस है उद्धव एकनाथ शिंदे को जारी किया गया। और उसे कहा गया है कि अभी 11 जुलाई तक आपके विधायक है, जो उनको हम आयोग घोषित नहीं करेंगे, पर 5 दिन में आपको समय दिया गया है, 5 दिन में आपको हलफनामा दाखिल करना है, बात करनी है। और इसके साथ ही साथ अब 11 जुलाई का फैसला हो सकेगा कि ये आयोग होंगे, माने जाएंगे या ना माने जाएंगे। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर है नरहरि जरवाल, उनको भी नोटिस जारी किया है। उनको कहा गया है कि आप स्पष्ट करें कि आप ऐसे संवैधानिक स्तर पर बैठने के बावजूद किस तरह से ऐसे फैसले ले सकते हैं, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा था कि विधायक दल का नेता उसको अजय चौधरी को बना दिया गया था। इसको लेकर लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और हालांकि जो एकनाथ शिंदे के वकील, उनका कहना था कि कोई भी मामला है उसको सुलझाया जाए और अगर नहीं सुलझता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना सुनवाई करेगा और 11 जुलाई के बाद इसको फैसला दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव। वही माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे 2016 और 2021 के टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास का घेराव किया। जानकारी पर मंत्री खुद बाहर आई और अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को अपने आवास के अंदर बुलाया और उनकी मांगें सुनी। अभ्यर्थियों ने उनसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दिलाने की मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया। संवाददाता विभांशु, उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है, शिक्षक अभ्यर्थी आज से ही नहीं रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं, ये काफी वक्त से रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं। गुलाब देवी ने आज जिन 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को आवास में अंदर बुलाया था, क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कुछ बातचीत उन प्रतिनिधि मंडल से किया है?
ईजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थियों के द्वारा आज जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की गुलाब देवी, उनके आवास का घेराव किया गया है। जिसके बाद जब वो घेराव किया गया तो मंत्री जो गुलाब देवी है उनको ये सूचना मिलती है, तो वो उनसे आके बाहर बात करती है, उन्हें समझाने का प्रयास करती है। उसी क्रम में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से 5 लोगों को बुलाती है अंदर और उनके जो समस्या है उससे बात करती है। वहीं त्रिशला आपको बताएं कि उनकी तरफ से आश्वासन दिए गए हैं कि जो भर्ती चयन बोर्ड है उनके उनको सिफारिश की जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। आपको बताएं कि ये जो पीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, ये 2016 और 2021 में जो माध्यमिक शिक्षा से सहायता के द्वारा कॉलेज चलते हैं उसके अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा विगत महीनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज राजधानी लखनऊ के मंत्री आवास पर वो जाके माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव करते हैं और उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है। उसी क्रम में आपको बता दें कि इससे ठीक पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से अभ्यर्थी मिलते हैं और उनसे भी इस बात को रखते हैं। और वहीं उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारी समस्याओं को आप सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमें न्याय दिलाएं। साफ तौर पर जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र को लेकर महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब वो मंत्री से जाकर और अपनी बात को रखे हैं। और मंत्री जी की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हम आपकी बातों पे सहमत हैं और आगे की जो भर्ती चयन बोर्ड है उससे भी सिफारिश करेंगे। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। खबर बिजनौर से है, जो 8 बजे के बाद ही स्कूल नहीं खुला और बच्चे 7:30 बजे से अपने बैग गेट पर लटकाकर अध्यापकों का इंतजार करते मिले। आपको बता दें कि स्कूल खोलने का समय 7:30 बजे तक निर्धारित है, लेकिन बच्चों का कहना है कि अध्यापक 8 से 9 बजे के बीच में ही विद्यालय खोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे घंटों गेट पर खड़े होकर इंतजार करने को मजबूर होते हैं। संवाददाता तुषार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, एक तरफ जहां स्कूलों पर लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ पाइए, वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनको इस तरह से अपना बैग लटकाकर इंतजार करना पड़ रहा है, इस मामले में उच्च अधिकारियों से को क्या अवगत कराया गया, अगर कराया गया तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए तुषार, मैं आपको बता दूं, ये किरतपुर विकासखंड क्षेत्र का मामला है जहाँ एक गाँव पड़ता है मुबारकपुर खोसो, वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर बच्चे 7:30 बजे से इंतजार कर रहे थे अध्यापकों का कि स्कूल खुले तब वो अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएं, लेकिन बच्चों का कहना है कि जो टीचर हैं वो 8 से 9 बजे के बीच में कॉलेज स्कूल पर स्कूल में आके प्रवेश करते हैं, उसके बाद ही उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। आप साफ तौर से विजुअलों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों ने अपने जो बैग हैं वो गेट पर टांगे हुए हैं और गेट पर ताला लगा हुआ है। वहीं जब इस सिलसिले में जब हमने उच्च अधिकारियों बीएसए से बात की तो उन्होंने इस खबर को निराधार बताया। उन्होंने उनका कहना था कि ये जो विद्यालय है इसका एक दूसरा गेट है जहाँ से बच्चे प्रवेश करते हैं और जिस समय की ये वीडियो है उस समय बच्चे अंदर शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आप विजुअलों में साफ देख सकते हैं कि ग्राउंड के अंदर जो है एक भी कोई भी शिक्षक नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कोई छात्र या छात्रा दिखाई नहीं दे रही है और जो स्कूल का जो गेट है उसपे ताला लगा हुआ है और जो बैग है स्कूली बैग वो गेट पर टंगे हुए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया तुषार। दिनभर की बड़ी खबरों में इतना ही, और ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।